गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर एएफसी कप लीग का मैच हो रहा है अल रिफा वर्सेस अल नहदा मस्कट के बीच 9:30 बजे। आपको मैं बता दूँ पिछला मैच यार मेरे से मिस हो गया यार एएफसी लीग का, क्योंकि यार मैं किसी काम पे बिजी था, मैंने शेड्यूल भी ही डाला हुआ था, वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा डायरेक्ट दे देंगे टीम, तो टीम क्या भाई, टीम ही मिस हो गई। और मैंने उस मैच में इन्वेस्ट करना था पर्सनली, वो भी रह गया। और मैं आपसे उस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं आउट ऑफ स्टेशन था और इसी चक्कर में भाई ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन मैं ध्यान ही नहीं दे सका। और भाई इतनी देर में जब मैंने टीम सेंड की लास्ट के 5 मिनट में, तो टीम सेंड ही नहीं हो पाई, फिर बाद में क्या करने का फ़ायदा। इसलिए अभी हम बिल्कुल रेडी हैं, बाकी अपकमिंग टीम्स आपको एट अ टाइम, मैं आपको पता ही है मैं टीम 10-12 मिनट पहले देता हूँ कि आराम से आप लगा लो, क्योंकि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं 10-12 मिनट पहले दे देता हूँ कि आप आराम से लगा लो टीम, क्योंकि मैं लोगों की तरह नहीं 3-4 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद इस मैच की बात करें अल रिफा और अल नहदा, उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आज भी कोई टीम ओपन आएगी। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। आज का दिन बहुत अच्छा है, कल संडे बड़ा बेकार था भाई मेरे लिए, तो बहुत बेकार था कल संडे फैंटेसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंदर उल्टा ही हो रहा था हम जो कर रहे थे। लेकिन आज की दिन की शुरुआत ही जीत के साथ हो गई, तो बस सारा कुछ भाई एक बार में रिकवर हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो अल रिफा और अल नहदा ये टीम ओमान की है, ओमान कंट्री की, मतलब ओमान एक कंट्री है तो वहाँ से बिलोंग करती है अल नहदा टीम, उन्हीं के डोमेस्टिक में खेलती है। और अल रिफा टीम है बहरेन कंट्री की, तो बहरेन एंड ओमान अगर देखा जाए तो बहरेन की टीम्स आर मोर इफेक्टिव देन ALN, बट गोल होंगे दोनों तरफ से। अगर आपको लगता है अगर ये 2 गोल करेंगे तो वो भी 1 करेंगे, अगर ये 3 कर सकते हैं तो वो भी 2 कर सकते हैं। इसलिए आप डबल साइड टीम लेके चलना इस मैच में, ज़्यादा प्रेडिक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये वैसा मैच नहीं है आपने 2 मिनट में एनालाइज़ किया और टीम बना दी, ना ना भाई, कम से कम 1-2 घंटे दो इस मैच को अगर ध्यान से देखना है। एक एक आपको परख तक जाना पड़ेगा, जिन मैच का रिकॉर्ड भी नहीं है वो भी ढूंढने पड़ेंगे इंटरनेट पर। तो चलते हैं आगे, तो बात करें स्ट्राइकिंग की। देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर मेरे को इनका एक प्लेयर है जो कि ALR का, एच सईद ईसा, इस बंदे के मैक्सिमम गोल मेरे को देखने को मिले हैं। मेरे को एच सईद ईसा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और वो हर सीज़न होती हैं, क्योंकि जब बहरेन लीग की अगर मैच होता तो शायद ईसा तब भी मेरा कैप्टन होता, लेकिन बहरेन प्रीमियर लीग ये लोग ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस खेलने का मौका मिल रहा है। उसके बाद इनका एक प्लेयर है ये ए हसन सईद ईसा, ठीक है, और एक है एच सईद ईसा, ये दोनों लगभग खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, तो मैं दोनों को लूँगा, इनके नाम पे मत जाओ, नाम एक होने से काम तो भाई अलग अलग ही है, खेलते दोनों एवरेज हैं। उसके बाद मिडफील्डिंग में इनका एक प्लेयर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा फाड़ू प्लेयर है यार, पता नहीं अवसाद करके है कोई, ये रहा KL अफसद, हाँ कामिल अल अफसद, ये भाई देखिए KL अफसद मैक्सिमम गोल के लिए जाना जाता है, अगर जब इनकी टीम मुश्किल में हो या फिर AFC लीग में जब ज़्यादा गोल हो रहे हो तो उसमें कम से कम 1-2 गोल का कंट्रीब्यूशन होता है इसकी तरफ से, तो बंदा तो बहुत जेन्युइन है गेम प्ले में। एंड वर्गस की बात करें, वर्गस का गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है, तो एक्चुअली इसको मैंने एज अ सब्स्टिट्यूशन गेम प्ले करते देखा था किसी मैच में, तो वहाँ पर वर्गस का ना 1 गोल और 1 असिस्ट आ गया, तो मेरा अपना मन बदल लिया, मैंने कहा इसको लूँगा ज़रूर। और जे अहमद की बात करें, देखिए अहमद को छोड़ना पड़ेगा, आप सबको नहीं ले सकते भाई, इतना ज़्यादा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्ट्राइकिंग की बात करें, ऑपोजिशन टीम में 2 प्लेयर है बवाल, एक है IL सभी और एक इनका प्लेयर है बी बिनसाहा। देखिए बिलल बिनसाहा और IL सभी दोनों बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, दोनों में से किसी एक को लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं अपनी टीम में कोई भी गलती करता हूँ तो उसका भुगतान आप सबको भी करना पड़ेगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं गलती करूँ जो मेरी टीम से खेलते हैं, इसलिए उनके लिए मैं क्लियरली कह दूँ। तो अगर आप बैकअप टीम के साथ जा रहे हो तो एक टीम में इसको ले लो, एक टीम में इसको, बट इन दोनों में से अगर मेन देखा जाए देन मेरी नज़र में मेन भाई AL सभी है, ठीक है, मैं इसके साथ जाऊँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, एस एल यही इनका मेन प्लेयर है, इसको आपने किसी अनदर लीग में काफ़ी टाइम से देखा नहीं होगा, बिकॉज ओमान डोमेस्टिक लीग का इस टीम का सबसे मेन मिडफील्डर है। उसके बाद इनकी ऑपोजिशन टीम की बात करें, इनके ना नाम बहुत सेम है, काफ़ी सिमिलर है, तो गलती मत करना, मैं आपको बता देता हूँ, इनके बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ओमान लीग का रिकॉर्ड बहुत कम है। मेरे को ओअल मैलकी का 1-2 गोल दिखा था, और HL सादी 2 नाम के हैं, आप ये लगा लो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था इन दोनों के नाम में, जब मैंने टीम बना के, मैंने कहा भाई यहाँ तो 2 हैं, फिर मैंने फटाफट पूरे नाम का एनालाइज किया, तो यहाँ पर HL सदी में ये वाला HL जो सादी है, जिसका नाम आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमूद को आप ले सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। उसके बाद डिफेंडिंग की बात करें, डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैं लूँगा एल जॉर्डविक को, उसके बाद एस मेहदी बेकर को, फिर रेदा ईसा को लेना ले लो, रेदा ईसा को नहीं लेना तो आप 4 डिफेंडर एच महमूद को ले सकते हो। आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, IL मुखेनी को यहीं पे लेंगे। तो बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का, यहाँ पर 2 है, ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, तो मैं आपको मेन ऑप्शन बता रहा हूँ,
तो गाइज आपका कैप्टन यहाँ पर आपने रखना है केएल असफाद को, जिसके मैक्सिमम गोल हैं, और वाइस कैप्टन ध्यान से देख लो, नाम इनके सिमिलर हैं। आपने अपना कैप्टन हाशिम को नहीं रखना, आपने अपना कप्तान रखना है हसन अली ईसा को। तो इसके साथ जाना है, गलती मत करना, नाम में बहुत गलती है। आज आप इस मैच में इतना कमा सकते हो ना जितना किसी ने भी नहीं कमाया होगा, क्योंकि इस मैच के अंदर लोग नाम में गलती खाएंगे ही खाएंगे। जो मर्जी कर लो भाई, हम लोग खा लेते हैं, जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग गलती कर देते हैं, और जो नौ सीखे हैं वो तो गाइस मिस्टेक करेंगे। जब हम नए थे हम बहुत गलतियाँ करते थे, क्लियर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।